वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर आपने इनवॉइस क्रिएट नहीं किया है तब किन किन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा, किस किस तरह की प्रॉब्लम है उनको आपको फेस करना पड़ेगा और उनके सॉल्यूशन क्या है, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपडेट आपको और दे दूं कि इनवॉइसिंग के ऊपर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा अगर आप इनवॉइस क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप इनवॉइसिंग के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और आपने इनवॉइस क्रिएट नहीं किया तो आपको हेवी पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। हेवी पेनल्टीज का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होता है कि पर इनवॉइस आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी है और आपका जो 100% जो टैक्स बनता है इनवॉइसेस का उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इस तरह से रहती है कि अगर आपका जो टोटल टैक्स है वो 10,000 रुपए से कम है तब आप पर इनवॉइस 10,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट कर देंगे और अगर आपका जो टोटल टैक्स है वो 10,000 रुपए से ऊपर क्रॉस कर रहा है तब आपको 100% जो टैक्स का अमाउंट है वो देना पड़ सकता है, जो कि ये काफी हेवी पेनल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि अगर आप इनवॉइसिंग के क्राइटेरिया में आते हैं और आपने इनवॉइस क्रिएट नहीं किया तो किस तरह से आपके ऊपर हेवी पेनल्टीज लग सकती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे, अगर आपने इनवॉइस क्रिएट नहीं किया तो पेनल्टीज के साथ में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे वो ये करेंगे कि आप ईवे बिल नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट के रूल है उनमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपने IRN नंबर जनरेट नहीं करके रखा है तो आपका ईवे बिल क्रिएट नहीं होगा और ये जो नंबर है ये हमें इनवॉइस बनाने के बाद में ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपने ईवे बिल नहीं बनाया तो विदाउट ईवे बिल एक माल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है और अगर हम लेके गए और पकड़े जाने पर वहां पे भी काफी हेवी पेनल्टीज को हमें फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपका ईवे बिल नहीं बना तो ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा और इसके साथ में ये काफी डेंजरस भी आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फर्स्ट पेनल्टी तो आप पे ये लगेगी कि आपने इनवॉइस नहीं बनाया और फिर सेकेंडली आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि आपके पास में ईवे बिल नहीं है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्की हो जाता है। और इसी के साथ में ये पेनल्टी जो लेट फीस की अगर बात हम बंद करें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि मार्केट में जो आपकी गुडविल है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम इनवॉइस बनाते हैं तो वो हमारी पार्टी के 2A 2B में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है जिसे वो इजीली ITC क्लेम कर सकता है। अब जब हम इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो उसके 2A 2B में नहीं दिखाई देगा और उसकी वो ITC क्लेम भी नहीं करेगा और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए और उसके लिए दोनों के लिए क्रिएट होगी वो ये होगी कि जो इनवॉइस हम उसको देंगे वो इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिस इनवॉइस के ऊपर IRN नंबर नहीं होता वो इनवॉइस नहीं होता। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो यहां पे मैंने आपको फिर से बता दिया है इनवॉइस वही माना जाता है कि जिस इनवॉइस के ऊपर IRN नंबर होता है और IRN नंबर इनवॉइस जनरेट होने के बाद में हमें मिलता है। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो आपका कस्टमर है वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो पेमेंट सबसे पहले तो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको ITC नहीं मिल रही, दूसरा वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास में ईवे बिल नहीं है और तीसरा वो इसलिए भी नहीं करेगा कि उसको प्रॉपर एक इनवॉइस मिला ही नहीं और विदाउट इनवॉइस वो अगर माल किसी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा तो उसको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स बताए ये काफी ज्यादा हमारे बिजनेस को हार्म कर सकते हैं अगर आपने इनवॉइस क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पे भी एक दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट ही होती है कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई लेकिन जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मैनुअली करने पड़ते हैं और आपके पास में काफी हेवी डाटाबेस होता है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, तो वन बाय वन आपको इनवॉइस की साइट पे जाना पड़ता है या बल्क भी जाते हो तो मैनुअली आपको काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है और वहां पे आपकी एक्यूरेसी कंप्लीटली नहीं आ पाती और इस एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं आने की वजह से आपके जो इनवॉइस होते हैं वो आपके रॉन्ग बन जाते हैं और रॉन्ग इनवॉइस बनाने के ऊपर आपको 25,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पेनल्टी का एक रूल और बता दिया कि अगर आपका इनवॉइस रॉन्ग बन गया तब आपको 25,000 रुपए पेनल्टी देने पड़ेंगे, अगर इनवॉइस नहीं बनाया तब 10,000 रुपए देने पड़ेंगे या 100% टैक्स देना पड़ेगा और अगर इसको गलत बना दिया तो 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। और जो आप मैनुअली जब इनवॉइस क्रिएट करते हैं तब आपको काफी ज्यादा चैलेंज भी फेस करना पड़ता है और इसलिए आप इनवॉइसिंग क्रिएट नहीं कर पाते या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इसको प्रॉपर वे में कैसे फॉलो करें। तो इसका जो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है और जो पर्सनली मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूं और मेरे क्लाइंट्स भी ट्राई कर रहे हैं इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है क्लियर टैक्स। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इसका एक ही सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्लियर टैक्स है, क्योंकि क्लियर टैक्स की जो इनवॉइसिंग की जो यूटिलिटी है वो काफी शानदार है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे
आ रहे हैं। अगर मैं क्लियर टेक्स्ट की यूटिलिटी के ऊपर बात करूं तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है इजी टू कनेक्ट। ये किसी भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से काफी इजी वे में कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम अगर टैली की बात करें या किसी अदर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसे इजी टू कनेक्ट हो जाता है। इसका एपीआई एक्सेस काफी फास्ट है। दूसरा इसकी सबसे शानदार चीज है कि ये कंप्लीटली रिलायबल है। इसके अंदर 100% सिक्योरिटी है, किसी भी तरह की कोई भी मिसिंग हो ही नहीं सकती। और इसकी जो सबसे अच्छी चीज है वो इसका सपोर्ट है, क्योंकि क्लियरटेक्स की जो यूटिलिटी है इसका 24/7 सपोर्ट, और ये कॉल पे भी काफी अच्छे रेस्पॉन्स करते हैं, यानी आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको पूरा सुन के आपका उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया और वो सॉल्यूशन क्लियरटेक्स है। अब यहाँ पे भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें क्लियरटेक्स के बारे में कही है, हम इसके ऊपर यकीन नहीं करते। तो इसका यकीन करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने क्लियरटेक्स की इनवॉइसिंग की यूटिलिटी का लिंक दे के रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, डेमो लें और फिर डिसाइड करें तो ये क्लियरटेक्स की यूटिलिटी आपके बिजनेस को वाकई में बेनिफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। तो इसी के साथ में मैं अपने आज की क्लास के टॉपिक को फिनिश करता हूं। और आज का क्लास का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और अगर इनवॉइसिंग से रिलेटेड आपके कोई किसी तरह के अदर इशू हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।